हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले पोस्ट एचएससी डिप्लोमा, जिसके अंदर होटल मैनेजमेंट, डी फार्मेसी और सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी आते हैं, इनकी मेरिट लिस्ट मतलब रैंक आपका कैसे चेक करना है, और अगले वीडियोस में गवर्नमेंट कॉलेज में कितना रैंक आपका रहा तो नंबर लगेगा, ये जानकारी मैं आपको देता रहूँगा इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मेरिट लिस्ट के बारे में आपको मिलेंगी। ओके, और उसके अलावा फॉर्म करेक्शन अगर करना है आपको, कुछ आपकी रॉन्ग हो गई है इन्फॉर्मेशन, तो ग्रेवरेंस किस तरह से डालना है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है ये मैं बता देता हूँ। तो ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी आपको, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक कर आ सकते हैं, नहीं तो यहां पर आपको जस्ट पोस्ट एचएससी डिप्लोमा 2021 डाल देंगे तो आपको फर्स्ट रिज़ल्ट मिल जाएगा गूगल के ऊपर। तो उसके बाद यहां पर आना है चेक प्रोविजनल स्टेटस, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, ये नया विंडो ओपन में हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैं वीडियो को पॉज कर ये डाल देता हूँ इन्फॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं पीसीबी के मार्क्स, मतलब जो ज़्यादा परसेंटेज है वही आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर मैथ में ज़्यादा है तो यहाँ पर पीसीएम मेरिट स्कोर रहेगा, तो आपका एडमिशन जो होगा वो पीसीबी या पीसीएम के परसेंटेज पे ही होगा। ओके, आपके ओवरऑल परसेंटेज काउंट किए नहीं जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर टोटल ओवरऑल एचएससी का परसेंटेज है 63, लेकिन पीसीबी में 65.67 है, तो ये कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपकी स्टेट रैंक जो जनरल रैंक है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर लेडीज़ रैंक, मतलब जो लेडीज़ है अगर कैंडिडेट, तो उनकी रैंक दिखेंगी। उसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज रैंक वेरी होती है ओबीसी की या फिर आपकी एससी एसटी रैंक और जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उसकी रैंक यहाँ पर दिखाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके नहीं दिखाएगा, बस आपकी स्टेट मेरी रैंक और यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक, ये दो ही चीज़ें दिखाएंगा फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो वो किस तरह से करना है। ओके, उसके पहले अगर आपको पूरी लिस्ट डाउनलोड करना है सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर होम पेज पर हम आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर डाउनलोड लिस्ट में आपको देखना है, यहाँ पर इसको डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करते हैं या फिर यहाँ पर रोटेट होने देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे लिस्ट है। तो यहाँ पर पीएच मतलब फार्मेसी, एचएमसीटी मतलब होटल मैनेजमेंट और नीचे की सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी की ये वाली। ओके, तो यहाँ पीएच पे फार्मेसी की प्रोविजनल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट चेक कर सकते हैं, जितने भी महाराष्ट्र में कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनकी सभी की लिस्ट है ये। ओके, तो ये पूरी जानकारी है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रेवरेंस डालना है अगर कोई करेक्शन करना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद लॉग इन कर दूँगा मैं। ओके फ्रेंड्स, तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पर योर एप्लीकेशन इज़ वेरीफाइड एंड कन्फर्म। उसके बाद यहाँ पर सेंड ग्रेवरेंस पे आपको क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है तो आपकी जो भी टाइप्स है, कैंडिडेट टाइप, कास्ट चेंज करना है, कास्ट कैटेगरी चेंज करना है, ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन इंक्लूड करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं आप। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अगर आपको अपलोड भी करना है तो। फिजिकली डिसेबिलिटी का भी यहाँ पर कर सकते हैं, डिफेंस टाइप और डिफेंस सर्टिफिकेट, ये एसएससी के परसेंटेज, एसएससी मैथ के परसेंटेज, और ये जितने भी सारे आप इन्फॉर्मेशन में करेक्शन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर नेशनलिटी एक, ये दो, ये तीन, ये सभी आप एक वन बाय वन क्लिक कर सकते हैं अगर आपको एक से ज़्यादा भी करेक्शन करना है तो। ओके, तो यहाँ पर नेशनलिटी में मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर
नीचे भी सब्जेक्ट आ जाएगा नेशनलिटी, उसके बाद यहाँ से आपको अपलोड करना है अपनी नेशनलिटी सर्टिफिकेट। ओके, तो यहाँ पर नेशनलिटी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी टाइप करना है मैसेज टाइप कर देंगे और सेव सेंड ग्रेवरेंस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका ग्रेवरेंस सेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करना है, आपकी जो भी ग्रेवरेंस की स्टेटस है ये चेक करना है। तो ये पूरी जानकारी थी फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिंक दी गई है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।